प्रेरणा कथा, दूध और फूल। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष थे। एक दिन यात्रा करते करते वो एक दूसरे राज्य में पहुंचे। उस राज्य की राजधानी में पहले से भी बहुत से साधु संत और सूफी धर्म के प्रचारक प्रचार का काम कर रहे थे। जब उन्होंने एक नए महापुरुष के आने की खबर सुनी तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। एक संत ने अपने एक शिष्य से कहा, ये एक कटोरा दूध ले जाओ और उन नए आए हुए महापुरुष जी को दे दो। कुछ देर बाद वो शिष्य दूध से भरा हुआ कटोरा लेकर उन महापुरुष के सामने उपस्थित हो गया। महापुरुष अपनी जगह से उठे और उन्होंने पास के एक पौधे से चमेली का एक फूल तोड़ा और दूध के कटोरे में दूध की सतह पर धीरे से रख दिया और शिष्य से कहा, यह कटोरा वापस ले जाकर संत जी को दे दो। शिष्य को ये अच्छा नहीं लगा। उसको ऐसे लगा उन महापुरुष ने उसके संत जी की भेंट अस्वीकार करके संत जी का अपमान किया था। परंतु वो कटोरा लेकर फिर से संत जी के सामने उपस्थित हो गया। उसके गुस्से को देखकर संत जी ने उस शिष्य को शांत किया और कहा, वो वास्तव में बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, तुम समझे नहीं। मैंने दूध का कटोरा भेजकर उनसे एक प्रश्न पूछा था और उन्होंने दूध में फूल डालकर वापिस भेजकर उत्तर दे दिया। हमने उस महापुरुष से पूछा था कि हमारे नगर में पहले से ही दूध के जैसे पवित्र चरित्र वाले बहुत से संत और महात्मा हैं, तो उनको इस नगर में क्यों आना पड़ा। हमने उनसे पूछा था कि वो यहाँ क्यों आए थे और कहाँ रहेंगे। उन्होंने दूध की सतह पर फूल रखकर हमको जवाब दिया कि जिस तरह फूल रख देने से दूध नहीं बिगड़ा, उसी तरह उनके शहर में आने से साधु संतों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दूध में फूल की तरह रहेंगे और प्रेम और धर्म का संदेश देंगे। संत जी उन महापुरुष जी के उस उत्तर से बहुत ही प्रभावित हुए और अगले ही दिन वो संत बाहर से आए महापुरुष जी को अपने आश्रम ले आए। आप जानते हैं वो महापुरुष कौन थे? वो महापुरुष थे श्री गुरु नानक देव जी और वो स्थान था मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है। मित्रों, कभी कभी मौन रहकर भी कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। विनम्रता से दिए गए मौन उत्तरों का बहुत गहरा प्रभाव होता है और लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।